हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम जगदीप है और मैं पिछले 18 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखी हैं और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ वीडियोस में हम यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो बच्चों चलते हैं लेक्चर में अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है एकदम अल्टीमेट वाली खुशी मिल रही है जो भी उसकी लिमिटेड इनकम है उससे और जो भी उसका स्पेंडिंग पैटर्न है वो उस स्पेंडिंग पैटर्न में बिल्कुल भी कोई भी चेंज करने के लिए रेडी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जो भी जिस भी तरह से वो खर्चा कर रहा है जिन भी कमोडिटीज़ पे ये कंज्यूमर खर्चा कर रहा है उन कमोडिटीज से उसे अच्छी वाली खुशी एकदम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना एकदम जो एकदम अल्टीमेट वाला मज़ा होता है वो उसे प्रेजेंट के किए जा रहे खर्चे से मिल रहा है ठीक है तो इसको लिखेंगे कैसे कुछ इस तरह से सो इट इज़ अ सिचुएशन वेन अ कंज्यूमर इज़ हैविंग मैक्सिमम सेटिसफैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज़ no tendency to change his way of expenditure which is existing जो वो presently खर्चा कर रहा है उस pattern को वो change करने की कोई भी tendency या intention नहीं लगता है ठीक है अब consumer equilibrium के uh, assumptions हैं uh, ये लगभग वही assumptions हैं जो हमने law of diminishing marginal utility के time पे पढ़े थे more or less सारे के सारे assumptions वही है ठीक है सो so, क्या एज़ाम्पन्स हैं मैं इन्हें सिर्फ रीड कर रही हूँ अगर आपको ये एज़ाम्पन्स डिटेल में जानने हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल वाली यूटिलिटी चेकआउट कर लेना ठीक सो कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और उसे परफेक्ट नॉलेज है कि भाई मार्केट में किस तरह के कमोडिटीज़ हैं और कौन सी कमोडिटीज़ से उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है यानी कि पैसे की जो वैल्यू वो कंज्यूमर uh, होल्ड कर रहा है वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है ठीक इसका भी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ पे मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी आप उस वीडियो को चेकआउट कर लें ठीक कंज्यूमर्स के जो टेस्ट एंड प्रेफ्रेंसेज हैं वो भी कॉन्स्टेंट है कंज्यूमर की इनकम और जिन कमोडिटीज़ पर वो खर्चा कर रहा है उन कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी कॉन्स्टेंट है और जो डिफरेंट कमोडिटीज़ कंज्यूमर कंज्यूम करता है जो खा रहा है या यूज़ कर रहा है हर एक इंडिविजुअल कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी फ्राम फोन्स इज़ नॉट इक्वल टू यूटिलिटी फ्राम पेन दोनों के यूज़ अलग हैं इसके लिए यूटिलिटी उनसे जो मिलती है जो सेटिसफेक्शन मिलती है वो भी अलग है ठीक है तो ये रहे अजाम्शंस अब आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मेन कैटेगरीज़ की तरफ सो so, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो मेजर कैटेगरीज़ में पढ़ा जाता है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ सिंगल कमोडिटी और एक विथ टू कमोडिटीज़ ठीक है अब सी बी एस ई बोर्ड के बच्चों के लिए या आई एस सी बोर्ड के बच्चों के लिए सिंगल कमोडिटी विथ सिंगल यूज़ वाला जो सेगमेंट है सिर्फ वही आपके सिलेबस में है मैनी यूज़ेस वाला जो सेगमेंट है वो हायर क्लासेस में जनरली यूज़ होता है यहाँ पर आपके सिलेबस में ये नहीं है ठीक सो सिंगल कमोडिटी में हमारे पास दो तरीके के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स हैं वन वेयर सिंगल कमोडिटी विल हैव अ सिंगल यूज़ जैसे कि कार सो कार से हम सिर्फ ड्राइव करके कहीं जा ही सकते हैं और किसी यूज़ में ये नहीं आ सकती उसी तरह से सिंगल कमोडिटी विद मैनी यूजेस जैसे कि ऑयल तेल तेल को हम कई सारे यूजेस में डाल सकते हैं जैसे बालों में लगाना आ, फेशियल करना खाना बनाना है ना तो उस तरह के कमोडिटीज़ जो हैं वो सिंगल कमोडिटी विद मेनी यूजेज वाले केसेस में आ जाएगी इस वीडियो में हम सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज ही डिस्कस कर रहे हैं ठीक सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है या इस इक्विलीब्रियम सेगमेंट uh, की जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो है ये ये क्या कहती है कि अ कंज़्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज़ बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी कि कंज्यूमर जो है वो सिंगल कमोडिटी कब तक खरीदता रहेगा जब तक वो एक ऐसी क्वान्टिटी ना ख़रीद ले जो उसे मैगजिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है अब वो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है इस कंडीशन के थ्रू ये कंडीशन क्या कहती है एम यू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए हमें बनाना होता है टेबल और डाइग्राम तो देखते हैं टेबल जो हमारे अगले पेज पे है तो ये हमारा टेबल है यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स है प्राइस ऑफ एक्स है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है यूनिट्स बढ़ रहे हैं फ्रॉम वन टू फाइव प्राइस एक ही प्राइस है लगभग सारे यूनिट्स की विच इज़ थ्री और जो मार्जिनल यूटिलिटी है फॉर कमोडिटी एक्स वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है क्योंकि हर एक यूनिट एक्स्ट्रा खाने पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती है कम होती है ठीक है इसके लिए प्रॉपर लॉ है जिसका नाम है डिमिनीशन मार्जिनल यूटिलिटी आप पहले उसे चेकआउट कर लें ताकि आपको इस कॉलम का जो बिहेवियर है ये समझ में आ जाए ठीक है अब हम बनाएंगे हमारा डाइग्राम सो so ये बन गई हमारी वाई एक्सिस ये बन गई एक्स एक्सिस इसे मेजर कर लेते हैं वाई एक्स वाई पे हम मेजर कर रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और एक्स पे हम मेजर कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ एक्स ठीक है या हम क्वांटिटी ऑफ एक्स भी से लिख सकते हैं ठीक है अब इसे हम यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर थोड़ा अच्छा नीट सा डायग्राम बन जाएगा एक्स एक्सेस थोड़ा अंदाजन रहेगा बिकॉज़ यहाँ पे स्केल्स नहीं है मेरे पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं प्राइस लाइन सो so प्राइस जो है कांस्टेंट है थ्री पर सो so इस तरह से थ्री पर हर यूनिट पे हम डॉट्स लगाते चलेंगे और इन डॉट्स को हम जॉइन कर देंगे कुछ इस तरह से तो ये बन जाती है प्राइस ऑफ एक्स इस कर्व का नाम है प्राइस ऑफ एक्स और अब हम बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी सो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे थी फाइव सेकेंड यूनिट पे थी फोर थर्ड यूनिट पे थी थ्री फोर्थ यूनिट पे थी टू 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 और फिफ्थ यूनिट पे थी ये वन ठीक है सो so इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे मेरी लाइन बहुत स्ट्रेट नहीं होगी आपके पास जब स्केल्स होंगे तो ये लाइंस अच्छे से बन जाएंगे ठीक है तो ये बन गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अब इस सेगमेंट में ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ठीक है अब इसको हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों बोला है क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी जो कंडीशन थी जो हमने पिछले साइड पे देखी थी क्या देखी थी हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ये कंडीशन जो है वो इस पॉइंट पर मिल रही है हमें अचीव हो रही है ठीक है तो हमारे टेबल में ये वाला जो सेगमेंट है जहाँ पे हर चीज़ आपको थ्री 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 दिख रही है ये जो है ये कंज्यूमर इक्विलीब्रियम है ठीक है अब यहाँ से लेफ्ट साइड में यानी कि इस तरफ यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से ज़्यादा है, है ना दिख रहा है वन पे ये तो रही हमारी प्राइस और ये रही यूटिलिटी है ना तो प्राइस थ्री पे रह गई और यूटिलिटी फ़ाइव पे इस टेबल में भी नज़र आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा वो कंजम्पशन जो है उसे बढ़ा देगा कब तक बढ़ाएगा जब तक वो इस सिचुएशन पे यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस वाले सेगमेंट पे दोबारा नहीं आ जाता ठीक अब इक्विलिब्रियम से राइट साइड में इस साइड में प्राइस जो है मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा है जैसे कि ये फिफ्थ यूनिट देख लो सो फिफ्थ यूनिट पे प्राइस तो भाई थ्री है मार्जिनल यूटिलिटी वन है है ना तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है अपनी कंजम्पशन कम करेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी कम रह जाती है प्राइस से तो आपको ऐसा लगता है यार यहाँ पे हमने ज़्यादा पैसे खर्चे कर दिए ये इतना वर्थ नहीं था इसके इतने दाम नहीं होने चाहिए थे ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर जो है कंजम्पशन कम करता है कब तक कम करेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ठीक है अब जब ये आंसर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको इस टेबल को तीन चार लाइंस में एक्सप्लेन करना है और उसी तरह से इस डायग्राम को भी आपने एक्सप्लेन करना है अब मैंने तो ये एकदम बिल्कुल बगल बगल में बना दिया है ना पर आप जब इसे एग्जाम में लिख रहे होंगे तो ये टेबल जैसे बनाया तो इसके ही साइड में यहाँ पे आपने अपनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है तीन चार लाइंस में फिर नीचे आप अपना डायग्राम बना दोगे और डायग्राम बनाने के बाद उसकी साइड में आप आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखते चलना ठीक है अब इसे आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपने ये स्केड्यूल एक्सप्लेन करना है तो आप क्या बोलोगे इन द अबाव शेड्यूल वी सी दैट द प्राइस ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट एट थ्री मार्जिनल यूटिलिटी टेंस टू फॉल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट एट द थर्ड यूनिट द कंज्यूमर इज़ एट इक्विलीब्रम वेयर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट ठीक है इतना सा हमने लिखना है जब हम डाइग्राम एक्सप्लेन करेंगे तब ये वाले केसेस हमें एक्सप्लेन करने होंगे ठीक है डायग्राम आप कैसे एक्सप्लेन करोगे डायग्राम एक्सप्लेन करते समय आपने बताना है वाई एक्सेस पे हम प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं प्राइस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व है पैरल टू एक्स एक्सेस क्यों क्योंकि एक ही प्राइस है हर एक यूनिट के लिए ठीक मार्जिनल यूटिलिटी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है एंड ये दोनों कर्व्स इस यूनिट पे यानी कि थर्ड यूनिट पे मेरे डायग्राम के हिसाब से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया है क्यों क्योंकि हमारी जो कंडीशन है विच इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स फिर उसके बाद हमें बताना है कि भाई जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा होती है यानी कि ये वाली सेगमेंट तो क्या होता है कंज्यूमर जो है कंजम्पशन बढ़ा देता है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि उसके पास अब भी पैसे बच रहे हैं और वो और ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है उसे अभी भी इसको खाने के बाद मज़ा आ रहा है ठीक है और उसी तरह से एकविलीब्रियम से राइट साइड में वी कैन सी दैट प्राइस इज वे अबव द मार्जिनल यूटिलिटी इन दिस सिनारो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस सो द कंज्यूमर वुड रिड्यूस हिज कंजम्पन अंटिल ही रीच इज़ एट अ पॉइंट वेर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स ठीक है बच्चों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि इस साल मैं सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट्स पे नोट्स और क्विज़स रिलीज़ करूँगी ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाय नाउ टेक केयर